इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन परिवार राणा प्रताप बाग दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन परिवार जैन कॉलोनी दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन परिवार सीसी कॉलोनी दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत दिल्ली, सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर दिल्ली। हरे घर घर मंगलाचार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, तुम्हें खुशी है हमें खुशी है, तुम्हें खुशी है हमें खुशी है, हरे घर घर मंगलाचार। और आइए, अरे महाराज की जय हो, अरे महाराज की जय हो, अरे महाराज की जय। रुको, जो पीछे बैठे हैं आपको खुशी नहीं है क्या? तो हंस के दिखाओ ना। राजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो, जय हो। महाराज, आपकी महारानी के यहाँ अंतापुर में पुत्र रतन की प्राप्ति हुई है, जय हो। पंचकलक प्रतिष्ठा महोत्सव में गर्भ कल्याणक के बाद जन्म कल्याणक का पावन अवसर। यूं तो भारत देश में मैं समझता हूं यदि औसत निकाली जाए तो प्रति मिनट में या कुछ मिनटों में एक जन्म निरंतर होता है। प्रतिदिन 24 घंटे में कितने जन्म बालक बालिकाओं के हमारे भारत देश में हुआ करते हैं,
लेकिन जब जन्म होता है तो उस समय कोई यह नहीं बता सकता कि ये जो बालक बालिका का जन्म हुआ है ये बालक भगवान महावीर स्वामी के रूप में आएगा, ये बालिका चंदन बाला के रूप में आएगी, ये बालक आचार्य सरमजी सागर जी आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज के रूप में आएगा, ये बालिका आरिकाओं के रूप में आएगी। जन्म लेते समय कोई यह निर्धारित नहीं कर सकता कि यह बालक परमेश्वर की यात्रा तय करेगा कि यह बालक पापात्मा की ओर बढ़ेगा। आज प्रातःकाल में बता रहा था कि हम एक बात का हमेशा ध्यान रखें, परमात्मा की नजर हर तरफ है, जो है आपको दे रहे हैं उस पर भी उनकी नजर है और जो आपसे ले रहे हैं उस पर भी नजर है। हमारे भारत देश में जन्म नित्य प्रति हुआ कर रहा है, जन्मों का महोत्सव उत्सव प्रति मनाया कर रहे हैं, लेकिन जन्म कल्याणक महोत्सव मनता है तो मात्र और मात्र तीर्थंकर भगवान का मनता है, क्योंकि तीर्थंकर भगवान ऐसे हैं जिन्होंने जन्म लिया और उनके जन्म लेने से सारे सृष्टि के जीवों का कल्याण हो गया, इसलिए तीर्थंकर भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव होता है और अन्य शहरों का जन्म दिन का उत्सव हुआ करता है। आज भारत देश यहां पर लोग पाश्चात्य संस्कृति में इतने ज्यादा डूब रहे हैं कि भारत देश की संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। चाहे जिन मंदिर हो, चाहे जिनालय हो, चाहे गुरु उपाश्रय हो, चाहे जिनवाणी का कक्ष हो, चाहे घर का द्वार हो, पहले के जमाने में जब बच्चे का जन्म हुआ करता था, जन्मदिन आता था तो माता पिता प्रातःकाल ले जाते थे मंदिर में, श्री जी का अभिषेक कराते थे, आहार कराते थे, उसके बाद में लोगों को भोजन करा के जन्मदिन की पार्टियां मनाने का प्रयास करते थे। लेकिन आज 11:50 को रात्रि से इंतजार चालू हो जाता है कि कब 12 बजेगी और 12 बजने के बाद गाड़ी के बोनट पर केक रखा जाएगा और केक को लोग नाच नाच कर गागा कर खा रहे हैं। अभी आप भोजनशाला में जाओगे और भोजनशाला में कोई आपको भोजन दे रहा है, भोजन परोस रहा है, उसके मुंह से थोड़ा सा थूक निकल जाए तो क्या आप वो थाली का भोजन खाओगे, सामग्री हटा दोगे, बताइए मुझे। लेकिन इतना सब कुछ जानने के बाद जब केक कटता है सभी लोग बोलते हैं हैप्पी बर्थडे, बोलिए ना हैप्पी बर्थडे टू यू, फूक फूक कर मोमबत्ती बुझा रहे हैं, जोर जोर से हैप्पी बर्थडे टू की तालियां बजा रहे हैं और उसके बाद में लोग उसको नाच नाच कर खा रहे हैं। अरे भाई, घर के शुद्ध भोजन को छोड़ रहे हो और चार लोगों के मुंह की थूक को चाट चाट कर खा रहे हो, कहां जा रही है संस्कृति? और उसके बाद सोचते हो कि हमारा कल्याण हो, नहीं हो सकता। मैं अक्सर कहता हूं शुद्ध हृदय हो पल में हो जाता है कल्याण, बगला भक्तों को नहीं मिल सकते हैं भगवान। हाथ में माला, माला देखिए अपने माला, फेरिए अपने माला, कैसे फेरते हो करिए जरा, हाथ में करिए ना, सभी लोग करिए, हाथ में माला बोलिए, हाथ में दिल में काला, हाथ में माला दिल में काला, भला ऐसी माला से क्या होने वाला, शुद्ध हृदय हो पल में। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, विकृति को अपनाते जा रहे हैं। एक व्यक्ति मेरे पास में आया और उसने कहा कि जैन धर्म के लोग बहुत तपस्याएं करते हैं, बहुत पूजाएं करते हैं, बहुत अर्चनाएं करते हैं, लेकिन जैन धर्म में क्या सूर्य देवता को माना जाता है? क्या जैन धर्म में सूर्य की उपासना की जाती है? क्या जैनागम के लोग सूर्य को अर्घ चढ़ाते हैं? मैंने कहा हमारी जैनागम में जितना सूर्य को माना जाता है उतना अन्य संप्रदाय में सूर्य को माना ही नहीं जाता है। बोले किस तरह से? मेरे पास के जो जैनी लोग थे बोले महाराज जी को आज क्या हो गया? जब मैंने उनको बताया कि जैन धर्म में जितना सूर्य को माना जाता है उतना अन्यत्र किसी संप्रदाय में सूर्य को माना ही नहीं जाता, मेरे आसपास के लोग बोले महाराज जी को अचानक आज क्या हो गया?
तो मैंने बताया कि हमारे जैन आगम में सूर्य की उपासना पूजा आराधना विराधना इतनी की जाती इतना की जाती है कि भले ही सूर्य को अर्घ्य ना चढ़ाएं, भले ही सूर्य के सामने जल ना चढ़ाएं, लेकिन जैन धर्म का इंसान सूर्य निकलने के बाद भोजन करता है और सूर्य अस्त होने के बाद में भोजन छोड़ देता है। इससे बड़े सूर्य की उपासना और कौन सा धर्म के लोग करते हैं। जैन धर्म के लोग सूर्योदय नहीं होगा जब तक भोजन नहीं करेंगे और सूर्यास्त होने के बाद में भोजन का त्याग करते हैं। ये सच्चे जैनी की पहचान होती है। तुम चार किताबें पढ़ के आ जाते हो और कहते हो कि गुरुओं की पहचान करने आए, किताबों को पढ़ना छोड़ो, पहले अपने अंदर की पहचान करने का प्रयास करो। जिस दिन तुम रात्रि भोजन कर रहे हो समझ लेना कि तुम जैन नहीं हो। जिस दिन तुम इस तरह की होटलों में जा रहे हो जहां पर उल्टी सीधी वस्तु भोजन में मिलती है तो समझ के चलना कि तुम उस दिन जैन नहीं हो। तो आज जन्म कल्याणक का महोत्सव है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि जब आपके यहां पर बालक का जन्म हो, लोग मेरे पास में आते हैं कि हे भगवान, हे महाराज, मेरा बालक धर्म में नहीं चल पा रहा है, मेरी बालिका धर्म से विरुद्ध चल रही है। मैं उन्हें सबको संदेश देना चाहता हूं, आप सबको संदेश देना चाहता हूं चैनल के माध्यम से जो लोग बात सुनते हैं, कि जब आपके घर में बच्चा बड़ा हो जाए, जब आपके घर में बच्चा बड़ा हो जाए तो उसके हाथ में आप भगवान के अभिषेक का कलश दे देना। जिस हाथ में भगवान का अभिषेक का कलश आ जाता है उस हाथ में कभी शराब की बोतलें नहीं आ सकती, क्योंकि ये हाथ जब भगवान के जल का अभिषेक ले लेते हैं उनके हाथ में कभी शराब की बोतलें नहीं आ सकती। जिनके हाथ में अष्टद्रव्य की प्लेट आ जाती है उनके सामने गलत चीजें की प्लेट कभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि वह हाथ पवित्र हो चुके हैं जिन्होंने अष्टद्रव्य की थाल भगवान के चरणों में समर्पित करी है। और जिन बच्चों के हाथ में आप धूप देकर धूप घट में धूप खिवा देते हो उनके हाथ में कभी सिगरेट नहीं आ सकती, क्योंकि इन हाथ से उन्होंने धूप को खेवन कर दिया है, वह सिगरेट का धुआं कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन हमारी समस्याएं हैं। आज दिल्ली शहर में, भारत देश में, दिल्ली क्या सब जगह, पहले के जमाने में शादी विवाह होते थे, लोग चोरी छुपके शराब पीते थे। आजकल जैन समाज क्या, अजैन समाज क्या, खुलेआम एक पार्टी चल रही है और लोग खुलेआम पी रहे हैं। एक व्यक्ति बता रहा था, बोले महाराज जी पुरुषों से ज्यादा महिलाएं लगी हुई हैं। मैंने कहा मंदिर में आप सब तो धर्मात्मा है, ये चल रहा है। और मैं बड़ा आश्चर्य के साथ कह रहा हूं कि घर की संस्कृति कैसे सुधरेगी जब 5 साल का बच्चा जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ ये तो तुम्हारी वही सहेली जो मंदिर में रोज महाराज जी को आहार देती है और यहाँ क्या कर रही है। बच्चे में कैसे संस्कार आएंगे। कम से कम मर्यादा तो रखो, इस तरह की पार्टी में जाना है तो बच्चों को लेकर तो मत जाओ। आज संस्कृति को विकृति में ला आप रहे हो, संस्कृति को विकृति में पैदा आप कर रहे हो। और उसके बाद में सभी लोग कहते हैं कि हमारा जन्म कब होगा, हमारा जन्म तो हो चुका है लेकिन हमारे जन्म को सुधारने वाला कौन। जन्म देने वाले ने जन्म दे दिया, कल्याण कराने के लिए गुरु आ गए, लेकिन समझना तो आपको पड़ेगा। आज अनंतनाथ भगवान का जन्म कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, आदेशित करना चाहता हूं कि आप सभी संकल्प करें कि कम से कम यदि हमें उस शादी में ना जाएं तो मत जाओ, और जाना पड़ रहा है तो कम से कम अपने साथ अपने छोटे बाल गोपाल को लेकर मत जाओ। वह क्या देखेंगे, कैसे पिताजी के दोस्त हैं, कैसे दादाजी के दोस्त हैं जो मंदिर में धर्म की बात करते हैं, समाज को धर्म की राह पर चला रहे हैं और यहां क्या कर रहे हैं। जो संस्कार देखेंगे वही संस्कार उनके जीवन में आएंगे। आज जन्म कल्याणक का महोत्सव है। ये कल्याणक का महोत्सव जो हम मना रहे हैं, भगवान का तो कल्याण हो ही चुका इसलिए तो उनका कल्याणक बन रहा है, लेकिन हम लोग अपने जीवन का कल्याण कब करेंगे। आप कहते हो हे प्रभु तेरे हुए 5 कल्याण मेरा भी एक बार कर दो। ये हर बार करते हो, हर बार गाते हो, हर बार बजाते हो, लेकिन जब कल्याणक की बात आती है तो उस समय शांति में बैठ जाते हो। जीवन बहुत लंबा नहीं है, जीवन में श्वासें कितनी हैं ये किसी को नहीं पता, लेकिन जीवन में क्या कार्य कर रहे हो ये सभी को पता है। जो व्यक्ति प्रातःकाल उठकर श्री भगवान का नाम लेता है समझ के चलना कि उसके अंदर करुणा विद्यमान है। जिस मुख से भगवान का नाम उच्चारित होता है उस मुख से कभी गालियां नहीं निकल सकती। जिस मुख से
प्रभु का कीर्तन होता है, प्रभु का वंदन होता है, गुरु को नमन नमस्कार होता है, उन हाथों से कभी किसी को धक्का नहीं दे सकते, क्योंकि वे पवित्र हाथ हो जाया करते हैं। और एक बार जो सत्संग में आ जाता है, उसके जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदल जाती है। आज जन्म कल्याणक मना रहे हैं, बर्थडे मनाने का तरीका बदल गया, ठीक है, ये भी आपके जीवन का उत्सव है, ये भी जीवन का आप उत्सव करिए, जन्मदिन मनाइए, सब कुछ करिए, लेकिन कम से कम जन्मदिन मनाने के लिए आप उस बात को याद रखिए कि जब आप 40 दिन के हुए थे तो सबसे पहले आपके माता पिता आपको जिन मंदिर में ले गए थे, जब जाकर आपसे कहा गया था कि अब आप जैनी बन गए, जैनत्व को याद रखिए। और प्रत्येक जन्मदिन पर सभी को चाहिए कि भगवान जी का अभिषेक करें, गुरुओं को आहार दें, उसके बाद में अन्यत्र सारे कार्य करो। अपने जन्मदिन का रात्रि से उत्सव मना रहे हो, लेकिन कम से कम दिन में भगवान के दर्शन गुरु पूजन से तो सारा काम संपन्न करो, तो कम से कम तुम्हारा जन्मदिन सार्थक हो जाएगा। प्रभु आपके पास में संदेश लाते हैं कि जन्म मैंने दे दिया, लेकिन कर्म तो अच्छा कर लो। और आप सब कहते हो कि इंसान जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है, तो कर्म कैसे करना है ये आपको सोचना है, कर्म किस तरह के करना है ये आपको सोचना है, और अपने जीवन का कल्याण करना है। आज अध्यापक नगर नांगलोई में शिवारम पार्क, यहाँ पर जो देवादिदेव 1008 श्री अनंतनाथ जिनबिंब पंचमा परीक्षा महोत्सव चल रहा है, उसके द्वितीय दिवस जन्म कल्याणक का महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। पुण्यशाली है वह पात्र सौधर्मेंद्र कुबेरेंद्र प्रथम अभिषेक करता, जो भगवान जी को लेकर नगर भ्रमण कर रहे हैं। निश्चित रूप से जब आपके घर में आपकी शादी विवाह हुई थी, जब आपने डोली में चलकर आपके बग्गी पर चलकर आप निकले होंगे, लेकिन आपके जीवन का प्रबल पुण्य है कि आप बग्गी पर सवार होकर श्री जी को लेकर चलेंगे। और आप सब लोग पुण्यात्मा धर्मात्मा हैं कि भगवान की शोभा यात्रा में चल के अपना जीवन का कल्याण करने का प्रयास कर रहे हो। आज आप भगवान की शोभा यात्रा में चल रहे हो, कल जब आपके पास में जीवन में कोई संकट आएगा तो चार लोग आपके साथ में जरूर खड़े होंगे। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन परिवार राणा प्रताप बाग दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन परिवार जैन कॉलोनी दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन परिवार सीसी कॉलोनी दिल्ली, सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत दिल्ली, सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर दिल्ली।